करो देखो, ये एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखो, जैसे हम कभी कभी जब ड्राइविंग करते हैं तो हमारे जो फ्रंट ग्लास होता है गाड़ी की या कार का, उस पर कुछ कीड़े आके चिपक जाते हैं। ठीक है, उसी तरह का एक सवाल है कि अगर एक एक कार्ट है, इस कार्ट को अगर मैं, ठीक है, ए एक्सलेशन देता हूँ, इस कार्ट को मैं ए एक्सलेशन, अगर एक कार्ट रेस्ट में है, ठीक है, समझना, अगर एक कार्ट रेस्ट में है तो यहाँ इस साइड में एक ब्लॉक रखोगे तो ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा यार। ब्लॉक इसके साथ चिपकाओगे नहीं ना, चिपकाना नहीं है यार, ये ब्लॉक रखोगे तो ये नीचे स्लाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इस कार्ट को मैं एक्सलेशन दे दूं ए, तो एक स्पेशल एक्सलेशन है, एक खास एक्सलेशन है, जिस एक्सलेशन पे इस कार्ट के ये जो ब्लॉक है वो यहीं पर रुक जाएगा यार, रेस्ट में आ जाएगा ना। ठीक है, जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो इंसेक्ट वगैरह फ्रंट वाली ग्लास पे आके ऐसे चिपक जाते हैं, तो नीचे भी स्लाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक्सलेशन। ए डिसाइड करेगा कि ब्लॉक नीचे जाएगा या वहीं पे रहेगा। ठीक है, अगर ए जीरो होगा तो नीचे आ जाएगा ये। अब हमें निकालना है वो स्पेशल एक्सलेशन जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट में हो यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्लॉक रेस्ट में कैसे रहेगा, फोर्सेस कैसे कौन से लग रहे हैं, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे EMG तो लगेगी। अब EMG को बैलेंस करने के लिए ऊपर तो एक फोर्स आएगा, तभी तो रेस्ट में रहेगी। तो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन आएगा, कौन लगाया, कार्ट ने लगाया ऊपर, तो ये हो गया वर्टिकल का इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल में ये यहाँ पे इस पे सूडो आएगा। भाई इस फ्रेम से देखोगे, कार्ट के फ्रेम से देखोगे तो सूडो कैसे लगाते हैं, फ्रेम के अपोजिट और उसका मास, ठीक है, ब्लॉक का मास ये है, फ्रेम के अपोजिट एक्सलेशन ये है, एक्सलेशन इधर था फ्रेम का, इस ब्लॉक पे सूडो। अब सूडो जैसे ही सूडो, इसी सूडो की वजह से ब्लॉक रुकेगा यार। ठीक है, अगर एक्सलेशन जीरो होगा, ठीक है, एक्सलेशन जीरो होगा तो वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, वर्टिकल अगर एक्सलेशन जीरो होगा तो ये फ्रिक्शन आएगा ही नहीं यार। ठीक है, जब तक इसको दबाएगा नहीं, पुश नहीं करेगा तो फ्रिक्शन नहीं आएगा इसको। ठीक है, ये नीचे स्लाइड कर जाएगा जैसे रखूंगा। अब यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सूडो है वो इस सरफेस को ऐसे दबा रहा होगा, पुश कर रहा होगा। ठीक है, तो अब इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन हो गया कि एम ए ने सूडो ने नॉर्मल को बैलेंस कर लिया, एम जी ने फ्रिक्शन को बैलेंस कर लिया, तो ये ब्लॉक रुक जाएगा उस सिचुएशन पे, और हमें वही एक्सलेशन निकालना है जिसके लिए ब्लॉक रुक जाए। ठीक है, इसमें से हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको कैलकुलेट अगर करता हूँ, देखो कैलकुलेट करता हूँ तो फॉर इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस में इक्विलिब्रियम तभी होगा जब फ्रिक्शन एम जी के बराबर होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू स्टैटिक, म्यू एन इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम जी अपान म्यू के इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में लिखो, अगर ये रेस्ट में है तो नॉर्मल ने सूडो को बैलेंस किया है, अब नॉर्मल की वैल्यू यहाँ से उठा कर डाल दो तो एम जी इज इक्वल टू, अब देखो हाँ एक कंडीशन लगा दो, ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट में तभी रहेगा, ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट में तभी रहेगा, ठीक है, जब एक इम्पोर्टेंट बात, ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट में तभी रहेगा जब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है मस्ट बी ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल टू एम जी। ठीक है, यहाँ पे अगर फ्रिक्शन मान लो कम हो गया तो नीचे आ गया, तो फ्रिक्शन जो है मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेटर देन जो भी एम जी है, एटलीस्ट इक्वल टू, ठीक है, एम जी, तो जाके ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल है, अब नॉर्मल जो है, नॉर्मल की वैल्यू सूडो के इक्वल है, अब यहाँ से डाल दो नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी अपान म्यू। ठीक है, तो एम ने एम को खत्म किया तो एक्सलेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू। ठीक है, जो अगर इसको यहाँ पे रेस्ट में रहना है तो एक्सलेशन की इस कार्ट का जो एक्सलेशन है एटलीस्ट इसके बराबर या इससे अधिक ही होना चाहिए। अगर ये मिनिमम पूछता, एक्सलेशन मिनिमम मस्ट बी इक्वल टू जी बाई म्यू, मिनिमम एक्सलेशन इतना तो होना चाहिए, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, तो मिनिमम एक्सलेशन इतना तो होना ही चाहिए यार अगर इसको रेस्ट में रखना। अगर एक्सलेशन इससे कम हुआ, ठीक है, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, एक्सलेशन इज लेस देन ए मिनिमम तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा डाउनवर्ड। क्लियर है, आई होप ये समझ में आ गया होगा।
तो देखो कौन सा सोल्यूशन सही है, एक्सलेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू, मतलब ये सी ऑप्शन हम लोग का सही है, ठीक है ना, अल्फा एक्सलेशन मस्ट बी ग्रेटर देन जी बाई म्यू।